नमस्कार दोस्तों, दवा जानकारी चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पैरासीटामोल विद डोमपेरिडोन टैबलेट के बारे में। जानेंगे दोस्तों वीडियो में इस दवा का सही यूज़ क्या होता है, डोसेज का मात्रा, प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट, इनके अलावा दोस्तों इस दवा का ब्रांड नेम क्या क्या मिलता है आपको, इसका प्राइस, पैकिंग, इन सभी चीज़ों से जुड़ी बढ़िया जानकारी आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको जानने को मिलेगा, जिसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और उससे पहले जरूर दोस्तों आप दवा जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाला इसी तरह का ही और महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों मेरे हाथ में जो दवा है इसका ब्रांड नेम है दोस्तों डोमेक्ट पी टैबलेट, और इसका जो प्राइस का यदि बात किया जाए तो दोस्तों 10 टैबलेट का एक स्टिप आता है, ब्लिस्टर पैकिंग में आता है। इसका प्राइस 48 रुपीज़ है, जो कि एक सिरुलेज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मतलब डॉक्टर का सलाह से लेने वाला एक दवा है दोस्तों। और इसके अंदर कंटेंट का यदि बात किया जाए तो पैरासीटामोल आईपी 325 मिलीग्राम और दोस्तों डोमपेरिडोन आईपी 10 मिलीग्राम इस्तेमाल है। डोमपेरिडोन दोस्तों एक एंटी ओमिटिंग दवा है, इसे दोस्तों D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है। मेनली दोस्तों ओमिटिंग उल्टी को रोकने का ये काम करता है। पैरासीटामोल दोस्तों हम सभी लोगों को पता है एक एनाल्जेसिक तथा एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है, जो कि दोस्तों बुखार एंड बॉडी पेन को कम करने का काम करता है। दोस्तों यदि बात किया जाए तो दोस्तों इस दवा का यूज़ के बारे में, मतलब कौन से कंडीशन में डॉक्टर इस दवा का आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो दोस्तों डॉक्टर मेनली जो दवा है इसको यूज़ करता है माइग्रेन की जो दर्द होता है उसको रोकने के लिए, डॉक्टर इसको यूज़ किया जाता है। माइग्रेन मरीज में सिर में दर्द एंड साथ में उसको उल्टी भी होता है, उस कंडीशन में डॉक्टर इस दवा को प्रिस्क्राइब करता है। इनके अलावा यदि आपको हेडेक हो रही हो, सिर में पेन हो रही हो, दांतों में दर्द है, मांसपेशियों में, जोड़ों में आपको दर्द है, कमर में दर्द है, कानों में दर्द है, उन सारे कंडीशन में दोस्तों डॉक्टर इस दवा का आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो यही था दोस्तों इस दवा का यूज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब जानेंगे दोस्तों इस दवा का डोसेज का मात्रा। तो दोस्तों ये जो दवा है इसका जो डोसेज का मात्रा है वो डिपेंड करता है जो मरीज है उसका कंडीशन के ऊपर, उसका ड्रग हिस्ट्री, बॉडी का वेट एंड उसका एज को देखकर दोस्तों डॉक्टर डोसेज देता है। ज़्यादातर टाइम दोस्तों डॉक्टर एडल्ट में दिन में 2 बार लेने को सलाह देता है, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, दोनों ही समय यूज़ कर सकते हैं, पानी के साथ इसको लेने को सलाह देता हूँ। दोस्तों ये जो दवा है पुरुष महिला दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए जो दवा है नहीं है, उसके लिए ड्रॉप आता है दोस्तों। और कुछ कुछ कंडीशन को ध्यान रखना हो तो इस दवा को लेने से पहले, जैसे यदि किसी व्यक्ति को ड्रग एलर्जी मतलब इस दवा में जो कंटेंट है उससे यदि एलर्जी है, उस कंडीशन में इसको यूज़ ना करें, इसके बारे में डॉक्टर का सलाह लें। साथ में दोस्तों यदि आप एल्कोहल का सेवन करते हो उस कंडीशन में इसको यूज़ ना करें। यदि आपको बॉडी में लीवर किडनी से जुड़ी समस्या उस कंडीशन में भी इसको यूज़ ना करें। प्रेगनेंट वुमन ब्रेस्ट फीडिंग मदर डॉक्टर का सलाह से इसको इस्तेमाल करें। तो यही था दोस्तों इसका कुछ कुछ प्रिकॉशन के बारे में जानकारी। यदि बात किया जाए तो दोस्तों इस दवा का साइड इफेक्ट के बारे में, तो बहुत ही कम मात्रा में दोस्तों इसमें साइड इफेक्ट है, लेकिन दोस्तों जो ड्रग है इसमें जो कंटेंट है उसका कुछ अलग अलग व्यक्ति के जो रिएक्शन है अलग अलग हो सकता है। कुछ व्यक्ति में दोस्तों ड्राई माउथ मतलब मुँह में सूखापन जैसे लग सकता है, और ज़्यादा ओवरडोज इसको यूज़ किया तो दोस्तों इसमें जो लीवर है वो भी डैमेज हो सकता है। तो ज़रूर अपने मन से इस दवा को यूज़ ना करें दोस्तों, डॉक्टर का सलाह से यूज़ करें, डॉक्टर जैसे बताए उस हिसाब से इसको यूज़ करें। तो यही था दोस्तों डोमपेरिडोन विद पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो वीडियो को जोर से लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।